डियर ऑल वेलकम, हियर इज प्रोफेसर रामेश्वर गगरानी, आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रॉम गगरानी आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन कोर्स. दिस इज अवर ऑनलाइन पोर्टल, वेयर वी आर प्रिपेयरिंग गाइडिंग द स्टूडेंट्स फॉर द नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक बिट सेट, आईआईटी जेईई नीट, नाटा, वीआईटी and likewise some state level subordinate exams like CET and many more. There are various exams in science field. There are common entrance tests in science field. You will have to appear to these exams. You will have to prepare for these exams. आप सभी को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होता है. यहाँ पर किसी तरह का कोई चीटिंग नहीं चलता. यहाँ पर बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है. यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है. लेकिन एक बात का इसमें बिल्कुल तय है कि सिलेबस क्लियर है. सिलेबस के माध्यम से होगा, रैंडमली कुछ नहीं होगा. सिलेबस क्लियर है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे. तो आप इस एग्जाम में अपियर करो और अपना फ्यूचर बनाओ. हम आपके साथ है गगरानी इन गगरानी, प्रोफेसर रामेश्वर गगरानी, प्रोफेसर सोमेश्वर गगरानी एंड गगरानी एसोसिएट्स. जो भी गगरानी प्रोफेसर है, जितने भी टीम गगरानी में काम करते हैं, वो सारे पार्टनर है, वो सारे आपके गुरु है. और मैं आपको सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सारे एक्सपर्ट है, सारे हाईली क्वालिफाइड है, उनको सभी को अच्छा एक्सपीरियंस है. और कोई डुप्लीकेट या कोई टाइम पास टीचर हमने अपने इंस्टीट्यूट में कभी टॉलरेट नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सामने, हमारे सामने जो बैठे ये भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य. और जब राष्ट्र के भविष्य की बात आ जाती है तो फिर वहां कोई भी डुप्लीकेसी नहीं चलती, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं चलेगी और हम चलने भी नहीं देंगे. तो इसीलिए हमारी जो टीम तुम्हारे सामने काम कर रही है, जो ऑनलाइन आ रही है, जो ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग में रहेगी, वो आपका फ्यूचर 100% बनाएगी. ये हम, मैं बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ गगरानी आईआईटी जेईई नीट, आपको बिल्कुल कमिटमेंट करता हूं. एज आई एम टीचिंग केमिस्ट्री एंड इन लोअर क्लासेस आई एम टीचिंग साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. But there are again the subject experts who are teaching in our foundation course. Physics, कोई और teacher पढ़ाते, biology कोई और teacher पढ़ाते, science में मैं chemistry लेता हूँ और साथ में biology भी पढ़ाता हूँ foundation course में. Higher science में मैं chemistry पूरी तरह से लेता हूँ, पूरा paper लेता हूँ, first paper, second paper. लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ सारा मेरे सहकारी के जो बाकी teacher भी chemistry पढ़ाते हैं. तो हम लोगों ने अपने अपने papers distribute कर ले, मतलब बांट लिए, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल सही तरीके से सब चीजें मिले, सिलेबस सही तरीके से पूरा हो, आपका प्रिपरेशन भी अप टू द मार्क हो. सिर्फ सिलेबस पूरा करना ये पर्पस नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन अप टू द मार्क होना जरूरी है. 100% प्रिपरेशन होना जरूरी है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन होना जरूरी है. सिलेबस तो कोई भी पूरा कर देगा, वाइंड अप कर देगा, फास्ट पढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा. तो हमारे साथ सारी टीम काम कर रही है, मैं आपको सभी को इस बारे में बिल्कुल गारंटी देता हूँ. कल हमने शेल समझने की कोशिश की. आपने हमारे मेरे जो वीडियोस है, हमारी जो वीडियोस है, उसमें आप देखो, आगे ये क्लासरूम कोचिंग में सभी को उपलब्ध हो जाएगा. बट दे आर नॉट आउटसोर्स्ड, आपको घर पे नहीं मिलेंगे, इसका ध्यान रहे. क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा. दुरुपयोग क्या होगा कि जो स्टूडेंट अपने क्लास में नहीं है, फिर वो उसको यूज करना शुरू करेंगे, दैट इज हाफ नॉलेज, वो पूरी तरह से नहीं. फिर उन्हें लगेगा कि ये पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है. आपको क्लासरूम कोचिंग करना जरूरी है. शेल्स जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया. जरा जल्दी आ जाओ आप स्क्रीन पर. जतिन, आप अगर जतिन रतिन आप आगे क्या? ओके, कैन यू हियर माय वॉइस ऑल? कोई मुझे सिग्नल दो के वॉइस आ रही है. ठीक है, आ रही है, सिग्नल मिल गया. ओके ओके, बस शेल्स मैंने कल बताए थे. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे कि सर एजुमिथल क्वांटम नंबर जो है ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. तो मैंने बताया था, आप सभी को एक बात बताई थी मैंने, आप सभी को याद होगा कि इसको सेपरेटली समझने की कोशिश करें कि मैंने सेपरेट सेक्शन बनाए थे. मैंने बताया था कि आप पहले सब शेल समझिए. सब शेल के बारे में मैंने आपको बताया था. सब शेल एसपीडीएफ, आगे जीबी है, मतलब चार की जगह पर हमने पांच सब शेल अभी इंट्रोड्यूस कर दिए. पहले हमने शुरू में चार सब शेल की बात की थी, अब फिफ्थ भी आगे, तो ऐसे तो आगे सिक्स भी है, सेवन भी है. लेकिन जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, जैसे एलिमेंट का रिसर्च होगा, जैसे वो सामने आएंगे, उस हिसाब से उनको एटॉमिक नंबर मिलेगा और उस हिसाब से वैसी शेल्स बढ़ेगी.
क्योंकि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो एक समय आएगा कि कुछ एटॉमिक नंबर के बाद शेल नंबर बढ़ जाता है, कुछ एटॉमिक नंबर के बाद एक शेल बढ़ जाती है। उसका टेक्निक है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टेक्निक है। जब वो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं वो सारे लेसन लेने वाला हूँ, मैं वो सारे तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ रेगुलर क्लासरूम कोचिंग में, क्योंकि बड़े बड़े 100% सबसे बेहतर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी, जो काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपके पूरे 118 एलिमेंट सभी उसके प्रॉपर्टी के साथ लर्न रहेंगे, इसका मैं गारंटी दूंगा। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पर स्पेशल एसपीडीएफ अभी तक हमने स्टडी किया, लेकिन एसपीडीएफ के बाद जी नाम की भी सबशेल है, SPDFGH। ये सारी सबशेल्स है, यह हमें एज्यूमिथल क्वांटम नंबर जो सेकंड नंबर पर है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को मैं स्मॉल एल से इंडिकेट करता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से इंडिकेट करता हूं, एन एंड एल। आगे एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करना हो, उसका स्टेटस डिफाइन करना हो, उसके बारे में आपको जानकारी देनी हो, तो ये चार क्वांटम नंबर वर्कआउट करते हैं। दिस फोर क्वांटम नंबर्स विल टेल्स यू अबाउट एवरीथिंग इन कंसर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताएंगे आपको। मेरी बात ठीक से समझ लो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, तीन सेम हो सकते, चारों सेम नहीं होंगे, इसका भी ध्यान रहे। ये आगे आने वाली बात है, इसको मैं ठीक तरह से समझाऊंगा। तो हमने चार ही क्वांटम नंबर समझ लिए थे, मैंने चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सही एक्सप्लेन किए हैं, उनके सिंबल एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, उनका डिटेल्स में अभी स्टडी करना बाकी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मेन शेल है। फिर मैं सबशेल में गया तो सबशेल मेरे पास एसपीडीएफ है, आगे मैं जी भी बोल रहा हूं। इन सबशेल में एस ऑर्बिटल है, एस में एस ऑर्बिटल है, पी में पी ऑर्बिटल है, डी में डी ऑर्बिटल है, एफ में एफ ऑर्बिटल है, लेकिन मैंने सब तरफ सिंगुलर यूज किया है। जो इंग्लिश जानते हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट उनको समझ रहा है, मैंने सब तरफ सिंगुलर यूज किया है, जहां सिंगुलर है नहीं, क्योंकि एस में एस ऑर्बिटल जरूर है लेकिन पी में पी ऑर्बिटल्स है, पी में पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल नहीं, पी ऑर्बिटल्स है, क्योंकि तीन पी ऑर्बिटल है। डी में पांच डी ऑर्बिटल्स है और एफ में सात डी ऑर्बिटल्स है। मान लो मेरे पास चार बॉक्स है, एक एस नाम का बॉक्स है, एक पी नाम का बॉक्स है, एक डी नाम का बॉक्स है, एक एफ नाम का बॉक्स मेरे पास है। मैंने एस नाम का जो बॉक्स है उसको ओपन किया तो उसमें कुछ नहीं है, कि बॉक्स मतलब एम्प्टी स्पेस है, लेकिन मैंने जैसे पी बॉक्स ओपन किया तो उसमें तीन सेक्शन है, पी एच पी वाई पी जेड। तो एस ऑर्बिटल इटसेल्फ सबशेल, इटसेल्फ इट इज एस ऑर्बिटल समझ के चलो, क्योंकि एस सबशेल उसमें अगर एस ऑर्बिटल है जिसका कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू है और वो एक ही एस ऑर्बिटल है, तो जो एस सबशेल है वो एक ही, तो उसमें एक एस ऑर्बिटल समझ के चलो। लेकिन पी सबशेल में तीन पी ऑर्बिटल है, तो पी सबशेल का जो बॉक्स है उसको जब मैंने खोला तो मेरे सामने आया कि तीन सेक्शन आ गए तीनों सर के, पी एच पी वाई पी जेड नाम से, और वो पी सबशेल से बिलोंग करते तो तीनों सर के, तो तीनों की एनर्जी सेम हुई। और इनको कहा जाता है, इन ऑर्बिटल को, ये जो तीन सेक्शन है इनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स, पी एच पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स, इनको कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट डज इट मीन डीजनरेट ऑर्बिटल्स? डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है आप इक्विवेलेंट एनर्जी, क्योंकि वो उसी शेल से और उसी सबशेल से बिलोंग कर रहे। मान लो 2p है तो 2px, 2py, 2pz, तो 2px, 2py, 2pz they belongs to the second principal quantum number, second shell in which the p subshell is present, and this p subshell is classified into 3p orbitals. As they belongs to the second shell, therefore we can say that 2px, 2py, 2pz they are of equivalent energy. लेकिन आप अगर थर्ड शेल की बात करो तो थर्ड पी शेल में भी आपको पी एक्स पी वाई पी जेड मिलेंगे, लेकिन वो हो जाएगा 3px, 3py, 3pz हो जाएगा। तो फिर क्या 3p और 2p सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, p सब शेल सेम है लेकिन शेल नंबर आपने बदल दिया, एनर्जी बदल गई। The energy of the third shell is more than energy of the second shell. सेकंड शेल से थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो बड़ी शेल है, और आपने वहां का पी ऑर्बिटल उठाया, वहां का पी शेल के बारे में बात की, तो
तो 3px, 3py, 3pz इसका एनर्जी स्वाभाविक के 2p से ज्यादा होगा. तो मैं डिफाइन करूं तो 2p हैज 4p हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन 3p, 3p हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन 2p. तो क्या सर 1p आएगा क्या? तो फिर से वही बात, गाड़ी पंक्चर हो गई. बार बार अगर गाड़ी पंक्चर हो रही है तो हमने समझ लेना चाहिए कि गाड़ी नहीं बदलनी, टायर बदल देना, क्योंकि 1p तो आएगा ही नहीं. 1p कहां से आएगा मुझे बताओ? फर्स्ट शेल, वन मतलब फर्स्ट और पी मतलब सब शेल. तो फर्स्ट शेल में वन मतलब फर्स्ट शेल और पी मतलब सब शेल. तो फर्स्ट शेल में पी सब शेल नहीं है ना. सेकंड शेल से पी सब शेल शुरू होते, थर्ड शेल से डी सब शेल शुरू होते, फोर्थ शेल से एफ सब शेल शुरू होते. ये हो गया. अब ये जो सब शेल है इनके बारे में एज्यूमिथल क्वांटम नंबर में अपनी बात रखी. सर एज्यूमिथल कोई शास्त्र ने क्या नाम है क्या? नहीं, उनको नाम दिया गया. एजुमिथल का कोई मीनिंग होगा, वो नाम दिया गया. सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इस तरह से नाम. इस पर अलग अलग शास्त्रज्ञ ने अपना अपना वर्कआउट किया है. अलग अलग शास्त्रज्ञ ने समय समय के साथ अपना अपना वर्कआउट करके इसको अंजाम दिया है. इसको बताया गया कि ये इस तरह से वर्कआउट होता है. और जब अलग अलग शास्त्रज्ञ जब इस पर वर्कआउट करते हैं, जब वेगवेगळे शास्त्रज्ञ याच्यावर वर्कआउट करतात, तर त्यांना त्यांच्या गोष्टी प्रूव्ह करण्यासाठी त्यांच्या गोष्टी त्यांचे जे प्रूव्ह करण्यासाठी पुरावे द्यावे लागतात. दे हॅव टू प्रूव्ह द फॅक्ट व्हॉट दे हॅव प्रोड्युस्ड बिफोर द पब्लिक बाय मीन्स ऑफ सर्टन इव्हिडन्सेस. त्यांना पुरावे द्यावे लागतील. मग त्यांचं सुद्धा कोर्ट असतं ना. दे हॅव ऑल्सो कोर्ट. मग त्यांचं कोर्ट कुठलं असतं? त्यांचं कोर्ट इंटरनॅशनल असतं, म्हणजे इंटरनॅशनल कमिटी असते. केमिस्ट्रीची इंटरनॅशनल कमिटी, IUPAC. मग त्या ठिकाणी हे सगळे पुरावे त्यांना द्यावे लागतात, त्यांना प्रूव्ह करावं लागतं. त्यांची गोष्ट मांडताना त्यांना सगळे पुरावे दिल्यानंतर मग ती ऍक्सेप्ट होते की नाही, ते सगळं व्हेरिफिकेशन होतं आणि व्हेरिफिकेशन होऊन मग ऍक्सेप्ट होतं. जर त्याला काही चॅलेंज केलं, कोणीतरी चॅलेंज करतं, कोणीतरी चॅलेंज करतं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या माहिती करता सांगतो, थोडीशी जवळची गोष्ट सांगतो. आपल्या गल्लीत जर कुठं चक्की उघडायची असेल, चक्की आपल्या गल्लीत कुठं जर चक्की ग्राइंड मिल मतलब फ्लोअर फ्लोअर मिल कहा जाता ना, अगर वो खुलना है तो पहले आपको पेपर में एडवर्टाइज पेपर में आपको नोटिस देनी पड़ती. क्यों नोटिस देनी पड़ती? क्योंकि उसकी आवाज आएगी सब तरफ. तो पेपर में आपको नोटिस देनी पड़ती वकील के माध्यम से या महानगर पालिका के माध्यम से. नोटिस आती कि भाई यह व्यक्ति है इस एरिया में, यहाँ ये चक्की खोलना चाहता है, फ्लोर मिल शुरू करना चाहता है. अगर किसी के कुछ ऑब्जेक्शन है तो कृपया 8 दिन के अंदर, 15 दिन जो एक समय दिया जाता है, आपके ऑब्जेक्शन आप यहाँ पर दीजिए. अगर वो 15 दिन का समय दिया है उसके अंदर आपके ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं किसी के, तो वो चक्की शुरू कर सकता है लीगली. एक बार उसने शुरू कर दी और किसी ने बाद में ऑब्जेक्शन दिया तो क्या होता है? फिर आपको वो पेपर की कटिंग कोर्ट में प्रोड्यूस होती है और कहा जाता है कि हमने आपको 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन आप क्या कर रहे थे, 15 दिन क्या करे. हाँ वो भी हुशियार होता है, लेकिन वो भी हुशियार होता है. वो बोलता है साहब मैं तो 2 महीना पासून कोरोना घर ही होतो, लॉकडाउन होतो. मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज का आपको एविडेंस देना पड़ेगा. एजुमिथल क्वांटम नंबर के बारे में जिसने जो भी बताया उन्होंने एविडेंस रखे. उन्होंने क्या किया है? एस सब शेल की वैल्यू 0 कंसिडर की है. फिर इसका मीनिंग क्या है? 0 क्या है? उन्होंने स्पेक्ट्रो नोटेशन के माध्यम से डिफाइन किया गया. इनके स्पेक्ट्रल स्टडी किए गए. स्पेक्ट्रल स्टडी क्या होते हैं? किसी एलिमेंट का जो एटम है ये एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. जहां पर प्लैंक कांस्टेंट आएगा, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ये टर्म आएगी अलग अलग, ये एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है. जहां पर आपको स्पेक्ट्रल स्टडी किया, एटम का स्पेक्ट्रल स्टडी किया जाता है और उसमें जो एटम्स है, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो किस तरह से, उनकी मूवमेंट क्या है, उनका एविडेंस क्या है, ये सारा अभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है, इसकी सारी स्टडी होती है. सो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर फॉर सब शेल इट्स वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स. सब शेल का वैल्यू यहां पर दिया गया है. एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 दिया गया है. इसका ध्यान रखें. मेरी बात सभी को समझ रही है? मेरी बात आप सभी को समझ रही है? अभी चैट मत करो आप. मैं चाहूंगी थोड़ा चैट रुकना, क्योंकि चैट में फिर मेरा
अटेंशन वो चैट की तरफ चले जाएगा। और भाई चैट का वर्ड जब चैट हो जाता है तो हमारे मुंह में तो पानी शुरू हो जाता है, ये हम सभी को मालूम। जब हम चैट की जगह पे चैट बोलना शुरू कर देते तो हमारे तो सब लारी दिखने लग जाते थे, राइट है, बराबर है ना, पानी पूरी से लेकर सभी लॉरी हमें सामने दिखाई देते। तो थोड़ा ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे। हाँ हाँ मैंने सुन लिया, आपने जो बोला मैंने सुन लिया, अभी मैं सिखा रहा हूँ। हाँ मैं ये बता रहा था कि इस पीडीएफ मैंने आपके सामने रखा है, बिल्कुल सुनने की कोशिश करो। एस का वैल्यू मैंने 0 दिया है, पी का वैल्यू 1 दिया है, डी का वैल्यू 2 दिया है और एफ का वैल्यू मैंने 3 दिया है। अब मुझे 3 अगर 3 मेरी बात ठीक से समझो, -3 से शुरू होकर +3 पे ले जाना है। इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट दी 3 फ्रॉम -3 टू +3, हाउ मेनी डिजिट विल कम? 7 डिजिट आएंगे, 7 डिजिट आएंगे। कैसे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, बिल्कुल सही है, 7 डिजिट आएगी सर। हाँ बोलो सर। पर ये -3 से 3 से तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाएंगे ना, वो एजुमिशन में जुड़ रहेगा। -3 से अगर हमने एफ सबशेल लिया, एफ सबशेल में एफ सबशेल को अगर हमने 3 माना, हाँ, तो फिर वो ऐसा ही रहेगा। और फिर जब हम उसे -3 से +3 मिलेंगे तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने वही बताया ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू -L से +L तक चलेगा, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही। ऑर्बिटल के बारे में कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, who explains the orbitals, shape of orbitals? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells you about the orbitals। आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन f सबशेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन f सबशेल। लेकिन इसको शुरुआत किसने की है? एजुमिथल क्वांटम नंबर ने की है। एजुमिथल क्वांटम नंबर अगर नहीं होता तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वर्कआउट नहीं कर पाता। साइंस कितना सही है, देखो साइंस में हर चीज का प्रूफ लगता है भाई, साइंस में हर चीज का प्रूफ लगता है। जैसे मैंने बताया मराठीत एक म्हण है, मराठीत एक म्हण है, हा सूर्य आणि हा जयद्रथ, आता महाभारतात आपण पाहिलं। दुसरी मराठीत म्हण है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। इसका आप बाद में मीनिंग ढूंढो, आपको समझेगा। मतलब किसी भी चीज का प्रूफ लगेगा ही। अगर एजुमिथल क्वांटम नंबर वर्कआउट नहीं करता तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -L से +L तक कहां से चलते थे? क्योंकि आपको -L से +L में पहले तो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लो मैंने -L से +L बोल दिया, ठीक है, लेट अस कंसिडर, लेकिन वैल्यू क्या थी? अनलेस देर इज वैल्यू, जैसे मैंने 4 बोला तो फिर -4 से शुरू होगा ना। अगर वैल्यू नहीं डिफाइन करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एग्जिस्टेंस नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ये बता रहा है कि -L से +L तक चलो, लेकिन मुझे पहले L का वैल्यू डिफाइन चाहिए। अगर मेरे पास L का वैल्यू नहीं है तो मैं -L से +L तक वर्कआउट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर G सबशेल तुम्हारे सामने रख दी, G सबशेल, तो L का वैल्यू 4 हो गया। देखो और G सबशेल द वैल्यू ऑफ L इज 4। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे ये क्या चल रहा है 4 L M? अरे भाई आप न्यू कमर हो, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो ऑलरेडी बैठे वे इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है, उनको ये बात समझ रही है। अगर मैं 4 बोलता हूं इट शुड बी जी सबशेल, अगर मैं 3 बोलता हूं इट शुड बी एफ सबशेल, अगर मैं 2 बोलता हूं इट शुड बी डी सबशेल, अगर मैं 1 बोलता हूं इट शुड बी पी सबशेल, अगर मैं 0 बोलता हूं इट शुड बी एस सबशेल। दिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स, दीज आर दी एजुमिथल वैल्यूज, दीज आर दी वैल्यूज फॉर सबशेल्स। These are given by azimuthal quantum number small l. Quantum मतलब एक lower energy state को quantum कहा जाता है। Energy packets होते हैं, proton होते हैं, ये सब physics के word है। और भाई आपसे बेहतर physics कौन समझ सकता है मुझे बता? आपने 10th तक बिल्कुल सही किया study, तो आपसे बेहतर और physics कौन समझेगा? इसमें कोई शंका है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि यहां पर मैं अगर मैं एसपीडीएफ बोल रहा हूं तो आप सभी ने इस बात का ध्यान रखे साक्षी कि मैं एफ के बारे में आगे जा रहा हूं ना, मैं एफ के बाद जी भी बोल रहा हूं, एच भी बोल रहा हूं, मैं एसपीडीएफ बोल रहा हूं तो आगे जी बोल रहा हूं, आगे मैं एच बोल रहा हूं, ये सबशेल है।
ये सिक्वेंशियली ए पी डी एफ जी एच और आगे भी है, लेकिन आई और जे शायद नहीं, उसका कुछ रीजन दिया है, वो मैं कभी बाद में चर्चा करूंगी। हम लोग छह शर्तों तक चले गए, छह सब शर्त तक पहुंच गए, एस पी डी एफ जी एच। अब इनका वैल्यू एल में क्या बताया, मैं ये बता रहा हूं, एजुमिकल क्वांटम नंबर ने एस को जीरो क्रेडिट दिया है, मतलब जीरो वैल्यू दिया, नॉट क्रेडिट, तो तेरा मीनिंग अलग हो जाएगा, जीरो क्रेडिट देना एकदम टेंशन में आ जाएगा इस सबसे, वो बोलेगा मुझे क्रेडिट ही नहीं किया। अरे भाई माइनस से तो बेहतर है ना जीरो, क्योंकि जे में तो माइनस का भी स्कोर आता है, आपको मालूम है आई आई टी जे में किसी स्टूडेंट को माइनस 49 भी मिलते हैं, माइनस 17 भी मिलते हैं, और आज तक हमने माइनस का कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा था, लेकिन जे के पेपर में जब माइनस स्कोर आता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है तो कितना खुश हो जाते, क्योंकि माइनस का वैल्यू बढ़ जाती, समझ रहे मैं जो बता रहा हूं। यहां पर एस को जीरो वैल्यू दिया है एज एन इथल क्वांटम नंबर, तो फिर पी को कितना दिया है वन, सिक्वेंशियली एस पी डी एफ 0 1 2 3, आगे जी है एस पी डी एफ जी एच, तो फिर 0 1 2 3 4 5, जी की वैल्यू 4 होगी बराबर, एच की वैल्यू 5 हो गई। जब एच की वैल्यू 5 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल तक चलेगा, तो क्या होगा माइनस 5 से प्लस 5 तक चलना पड़ेगा, करो माइनस 5 से प्लस 5 11 डिजिट आएंगे, 11 डिजिट आप लिख के देखो, -5 -4 -3 -2 -1, ये 5 हो गए, फिर 0 माइनस 1 के बाद 0, फिर अभी शुरू होगा प्लस 1, तो 0 मिलके 6 हो गए, ये 5 और 1 6, अब प्लस 1 से शुरू करो, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो हो गए आपके 11 डिजिट, 6 और 5 11 हो गए। तो अगर मेरे पास एच सबशेल है, मैं फिर से क्लियर करूं, न्यू कमर्स ने ध्यान रखना है, जर माझ्याकडे एच नावाची सबशेल असेल तो त्याचे त्याच्यात 11 ऑर्बिटल असतील। मग ऑर्बिटल काय सर, तर तो जो एच बॉक्स आहे, मी आता बॉक्स म्हटलं होतं तुम्हाला पा, एक बॉक्स होता त्याच्यात काहीच नव्हतं, दुसऱ्या बॉक्स मध्ये 3 सेक्शन होते, तिसऱ्या बॉक्स मध्ये 5 सेक्शन होते, चौथ्या बॉक्स मध्ये 7 सेक्शन होते, पाचव्या बॉक्स मध्ये 9 सेक्शन होते, मग सहाव्या बॉक्स मध्ये 11 सेक्शन होते, अशा पद्धती, म्हणजे एच काय तर एस पी डी एफ जी एच, एच म्हणजे 6, तर एस ची व्हॅल्यू 6 नाही, एस ची व्हॅल्यू 5 आहे, एच ची व्हॅल्यू सॉरी एच 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 की व्हॅल्यू 5 आहे सर, एच की व्हॅल्यू कैसे 5, एस बी डी एफ जी एच 6 होती है, नहीं एच को 0 लिए ना, ये भूलो मत, एस के लिए 0 लिए तो फिर पी के लिए 1 हो गई, एस के लिए 0 है, एस 1 से नहीं है, एस के लिए एजुमिटल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 0 है, फिर पी के लिए 1। म्यूट करो स्पीकर, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4 और एच के लिए 5 हो गई। जब एच के लिए 5 होगी, मान लो एच बॉक्स है उसके लिए 5 अगर मैं बता रहा हूं तो उसमें 11 सब सेक्शन आएंगे, एक एच नाम का जो बॉक्स है उसमें 11 सेक्शन आएंगे, और एक एक सेक्शन को मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूं तो उसके 11 ऑर्बिटल हो गए। अगर उसके 11 ऑर्बिटल हो गए तो मुझे जवाब यह चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एच सबशेल कितनी होगी, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एच सबशेल इफ इट हैज 11 एच ऑर्बिटल्स, क्विक आंसर्स, लेट मी सी, बाय बाय, वेरी नाइस हिमांशु पाटिल, 22 हिमांशु पाटिल ने जवाब दे दिया चैट करके, 22 सर, हाँ हाँ सुना देता। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज हो रहा है 22 क्या है, बेटा 22 ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, ये क्लियर, एक ऑर्बिटल मध्ये मी फक्त 2 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो, तर 11 ऑर्बिटल मध्ये 11 × 2 = 22 झाले, तर एच या सबशेलची कॅपॅसिटी 22 इलेक्ट्रॉनची होऊन जाईल, लक्षात घ्या। मग सर जी या सबशेलची कॅपॅसिटी किती, मग जी या सबशेलची कॅपॅसिटी त्याच्यात किती ऑर्बिटल आहेत ते चेक करावे लागतील, त्याच्यात 9 ऑर्बिटल आहेत जी या सबशेल मध्ये, कसे जी ची व्हॅल्यू 4 आहे, जी हा सबशेलची व्हॅल्यू 4 आहे, मग -4 ते +4 पर्यंत चला, तर -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 हे टोटल नंबर किती झाले, 9 झाले,
हे त्याच्याकडे नऊ ऑर्बिटल आहेत जी कडे, आणि एका ऑर्बिटल मध्ये जर दोन इलेक्ट्रॉन ठेवू शकतो तर नऊ ऑर्बिटल मध्ये अठरा होतील, नऊ दिले अठरा, म्हणजे जी या सबशेलची कॅपॅसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्सची जाते. मग आपण एफ सबशेल कडे जाऊ, त्याच्यासाठी एज्युमिथल क्वांटम नंबर एल, स्मॉल एल, एज्युमिथल क्वांटम नंबर हा स्मॉल एल आहे, त्याने एफ साठी सांगितलंय का तुला तीन व्हॅल्यू दिलेली. मग एफची व्हॅल्यू जर तीन असेल तर मायनस थ्री ते प्लस थ्री, चला मायनस थ्री मायनस टू मायनस वन झिरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, किती झाले सात, सात डिजिट झाले. मग एफची जर व्हॅल्यू तीन आहे मायनस थ्री मायनस आप बोलो मत, आप बोलोगे तो आपका समय जाएगा, मेरे पास समय कम है बेटा आपके लिए. मैं चाहूंगा आप जितना साइलेंट रहे उतना अच्छा है. बाकी न्यू कमर्स है या कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी बैठे हैं कुछ दिन से लेकिन नहीं समझा है तो उनको मैं समझा रहा हूं. मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखना है तो मुझे एन प्लस एल रूल आना जरूरी है. ये एन प्लस एल रूल सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन अभी तक मैंने रूल नहीं लिया. मैं पहले एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर कर रहा हूं, अब मैं एल मतलब आपका ये वैल्यूज क्लियर कर रहा हूं, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं. तो ये जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका, आप बताते ना सर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसा क्यों है, जेनॉन का ऐसा क्यों है, अलग टाइप का है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जहां डी शेल आना चाहिए वहां फोरेस को आ जाती है, ऐसा क्यों है. ये कब समझेगा, जब ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे. हाँ, एक चीज की हमें यहां महसूस कमी हो रही है बिल्कुल, एक चीज मैं यहां पर निश्चित रूप से मिस कर रहा हूं, बोर्ड प्रेजेंटेशन. क्योंकि बोर्ड प्रेजेंटेशन में इतना टाइम नहीं लगता बेटा, वो बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन होता है और मैं करूंगा उसका उपयोग, लेकिन अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कत है, सामने जाके खड़े रहो फिर वहां पर बैठो फिर वहां पर लिखो फिर आके बैठो, थोड़ी सी दिक्कत है जरूर, और मैं नहीं चाहता कि अपना समय, मैं आगे बढ़ता हूँ. सोमेश्वर सर कल से तुम्हें बोर्ड पे सिखाएंगे, बोर्ड लग गया उनके यहाँ, ऐसा बोर्ड कल ही लगाया गया, मतलब आज लगाने वाले थे, आज ड्रिल करके लगा देंगे, तो उस पे कल से वो फिजिक्स वहां पर सिखाएंगे. मैं कोशिश करूंगा ये सामने बोर्ड उस पे सिखाएंगे, अभी तो हम लोग जब जरूरत पड़ेगी जरूर सिखाऊंगा, बीच में ना बोले. मैंने एक सबशेल की बात की, जो न्यू कमर्स है कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें स्मार्ट है, तो जो स्मार्ट है उन्होंने सुपर स्मार्ट बनना है, क्यों बराबर कि नहीं, उसमें उन्होंने और सुनना है ठीक तरह से, तो उनका इतना लोड कम हो जाएगा, भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे. इस पे न्यूमेरिकल से आगे आपको सब जमता है, देखो आप में जितने स्टूडेंट बैठे एक चीज से तो सब बिल्कुल वाकिफ है, एक चीज से सब मेरे से सहमत हो जाएंगे, और आप सभी बोलेंगे सर आपल्याला तुम्हाला कसं सर्व माहिती, बेटा आपल्याला न्यूमेरिकल जमत नाही भरायचे विद्यार्थ्यांना फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे, हे तेवढंच सत्य आहे, न्यूमेरिकल आपल्याला जमत नाही, नॉर्मॅलिटी केली नाही जमणार, मोलॅरिटी सांगितली नाही जमणार, सोल्युट सॉल्व्हंटचे रेशियो सांगितले नाही जमणार, न्यूमेरिकल आपल्याला जमत नाही कारण आपली थिअरी कच्ची असते, हा जो पाठ मी शिकवतो तो कच्चा असतो, पण न्यूमेरिकल जमत नाही, लक्षात घ्या, इम्पेरिकल फॉर्म्युला सांगितला नाही जमणार. म्हणजे फिजिक्स म्हणा किंवा केमिस्ट्री म्हणा यांचे न्यूमेरिकल समजण्यासाठी थेअरी खूप मजबूत असणं गरजेचं, हिमांशु पाटील, थेअरीवर कमांड असली पाहिजे, थेअरीवर कमांड असेल न्यूमेरिकल बरोबर जमतात, आपण थेअरीकडे निग्लेक्ट करतो, प्रॅक्टिस करत नाही, फॉर्म्युला आपल्याला जमत नाही, आपल्याला युनिट्स माहिती नाही, आपल्याला डायमेन्शन्स माहिती नाही. सर येता आम्ही अकरावीत शिकणार आहोत ना, अहो हे नववी पासून आहे बेटा, आठवी पासून आहे, तिथूनच आपण प्रेशर चॅप्टर लर्न करतो, तिथूनच साऊंड चॅप्टर लर्न करतो, तिथंच लाईट चॅप्टर आहेत, तिथंच सगळे लेसन्स आहेत ना. आणि सीबीएसईवाल्यांनी तर काही सांगायचं विचारचाच करायची, सीबीएसई टू इयर्स अहेड ऑफ एनी स्टेट बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस अँड स्टडी. कुठल्याही स्टेट बोर्डच्या तुलनेत जर सीबीएसईचा विचार केला तर नाही म्हटलं तर टू इयर्स अहेड असतात ते, कारण त्यांचा फिजिक्स केमिस्ट्री सायन्स जर म्हटलं तर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तिन्ही सेपरेट सब्जेक्ट आहे, सेपरेट बुक्स आहेत मोठ्या मोठ्या, दोन दोनशे दीड दीडशे पानांचे आहेत, एस चंद म्हणा, आर डी शर्मा म्हणा, फुल मार्क्स म्हणा, बरोबर आहे की नाही, टाटा मॅक्रो हिलचे आहेत, पिअर्सनचे आहेत, सिंगेटचे आहेत. सो इन केस ऑफ सीबीएसई दे आर टू इयर्स ऑफ अहेड, परंतु जर त्यांचाही अभ्यास त्यांनी प्रामाणिक नाही केला तर मग दोन वर्ष काय, वीस वर्ष काय, दोन दिवस काय, त्याला अर्थ नाही. हा सगळा विषय आहे प्रामाणिक अभ्यासाशी संबंधित. मग तुमच्यापैकी एकाचा प्रश्न असा आहे, त्याने विचारलाय मला इथं, कोणीतरी असा इशारा करतोय सर मी तर प्रामाणिक अभ्यास नाही केला. बरोबर आहे बेटा, तू नाही केला ना, मग आजपासून कर ना, मी हेच म्हणतो, आतापर्यंत नाही केला ना, आता सुरुवात कर, आतापर्यंत नाही केला ना, मग आता सुरुवात करायची, आता ठरवायचं मी माझं करिअर बघेन, काहीच चर्चा नाही,
माझं करिअर मी बनवेल काही चर्चा नाही, याचा चर्चाच नाही मग ते. या गोष्टीचं प्रत्येकाने भान ठेवायचं. तुमच्या समोर रामेश्वर गगरणी येईल, क्लासरूमला मी असतो, तुमच्या सिनियरला तुम्ही विचारा, ते तुम्हाला सगळं जॉब देऊन देते, ते सगळं तुम्हाला डिटेल सांगतील. रामेश्वर गगरणी नेचर आणि एव्हरीथिंग, सोमेश्वर गगरणी डिटेल सांगतील. जेवढा सर तुम्हाला इथं दिसतोय प्रेमाने निश्चित राहतो, पण तयारीच्या बाबतीत कॉम्प्रोमाइज नाही चांगला, बिलकुल नाही. तयारीच्या बाबतीत कॉम्प्रोमाइज नाही, बिकॉज इट्स अ मॅटर ऑफ युअर करिअर. वन सेकंड, एफ सबशन, सगळ्यांना समजतंय, सगळ्यांना उत्तरं द्यायची, मी प्रश्न विचारणार पुढे. मी असं म्हटलं, एफ सबशन साठी अझ्युमिकल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू काय आहे पहिले हे पाठ करा मित्रांनो. आणि हे पाठ करायची आवश्यकता मी एकदम सोपं म्हटलं, शून्यापासून सुरुवात करा, झिरो पासून, स्टार्ट फ्रॉम झिरो. एफ सबशन का व्हॅल्यू झिरो दिया है, इसने एजुमिकल क्वांटम नंबर दे, क्योंकि एजुमिकल क्वांटम नंबर ये सबशेल के बारे में बताता है सर, वो बताता है कि एस का वैल्यू क्या है, जीरो. पी का वैल्यू वन है, डी का वैल्यू टू है, एफ का वैल्यू थ्री है. ठीक है, ये हो गया, ये बात हो गई. अब यहां पर ये विषय क्लोज हो गया. अब हमें ऑर्बिटल के बारे में समझना है. पी ऑर्बिटल कितने है, फिर डी ऑर्बिटल कितने है, एफ ऑर्बिटल कितने है, एस ऑर्बिटल कितने है, जी ऑर्बिटल कितने है, एच ऑर्बिटल कितने हैं, यह हमें समझना है. जैसे सबशेल है उनके ही ऑर्बिटल है. मेरी बात ठीक से समझो, माझी गोष्ट नीट ऐका मित्रांनो, नीट ऐका. ऑर्बिटल ची जी नाव है ती त्यांची सबशेल चीच नाव आहे. दी नेम्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर ऍक्च्युअली दी नेम्स ऑफ दी सबशेल्स ऑल्सो. दी नेम्स ऑफ दी सबशेल्स आर गिवन टू देअर ऑर्बिटल्स. आपकी आवाज आ रही है. मैं एस सबशेल की बात कर रहा हूं बेटा, सॉरी, मैं सबशेल्स की बात कर रहा हूं. एस पी डी एफ जी एच, ये सबशेल है. इनमें और छोटे छोटे बॉक्स है जिनको ऑर्बिटल बता रहा हूं. मेरी बात ठीक से समझो. गोदरेज कपाट है, गोदरेज कपाट में अगर हमारे पास कुछ पैसे है, 100, 200, 500, 1000, 5000 रुपए, तो हम गोदरेज कपाट में अलग अलग सेक्शन है. हम क्या करते, फेंक देते हैं कहीं भी, जैसे कपड़े तो हम फेंक ही देते हैं, हमको तो पता है. गोदरेज कपाट में भी हम इसे लटका देते हैं. लेकिन अगर पैसे है, सोने की चीजें, चांदी की चीजें, तो उसमें एक सेफ होता है, सेफ कहा जाता है, क्या ना, लॉकर मनते हैं. सेफ मजे तिजोरी, छोटा सेक्शन लॉकर, लक्षात घ्या. ती लॉकर म्हणजे ज्याच्यात तुम्ही ते पैसे ठेवतात त्या जागेला लॉकर म्हणतो, त्याला लॉक असतो. मग तसंच आहे, ही सबशेल आहे, गोदरेज कपाट सबशेल आहे. आणि त्याचा तो जो सेक्शन आहे त्याच्यात तर जागा बरीच आहे. गोदरेज कपाट मध्ये तर कपडे लटकवण्याची जागा आहे, पण तुम्हाला बाकी वस्तू ठेवायची जागा आहे. पण त्याच्यात एक लॉकर आहे, का लॉकर म्हणतो आपण त्याला. प्रत्येकाकडे गोदरेज कपाट आहे, स्टोअरवेल सगळीकडे. त्या लॉकर मध्ये आपण महत्वाची वस्तू ठेवतो, कधी सीडीज असतात, काही महत्वाच्या सिक्रेट फाईल्स असतात, व्यवसायाशी रिलेटेड असतात, त्याच्यात ठेवतो. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन सार केप्ट देअर, म्हणजे त्या जागेला ऑर्बिटल म्हणतो. त्या सबशेल मध्ये अशी जागा आहे किंवा अशा जागा आहेत जिथे इलेक्ट्रॉन राहतात. सबशेल मध्ये बरीच जागा आहे, रिकामी जागा असेल ना, रिकामी जागा असेल. उदाहरणार्थ हा जो रूम आहे जिथं मी तुम्हाला दिसतोय, मी इलेक्ट्रॉन आहे आणि हा रूम आहे तुमच्या समोर, तुम्ही पाहताय, परंतु मी जिथं बसलोय ना ती ऑर्बिटलची जागा आहे. इथं सबशेल आहे, बाकी जागा रिकामी. पण ज्याच्या ज्या चेअरवर बसलोय ती ऑर्बिटल, कारण इलेक्ट्रॉन इथं बसला. मी जर इलेक्ट्रॉन आहे, इफ आय एम सिटिंग ओवर दिस चेअर, ऑन दिस चेअर, सो दिस चेअर शुड बी ऑर्बिटल. पण एका ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसू शकतात बेटा? ही माझी सिंगल चेअर आहे, त्याच्यावर तर दुसरा बसू शकत नाही. तर दोन डबल चेअर वाली जी असते त्याला ऑर्बिटल म्हणतो. एका ऑर्बिटल मध्ये दोन विद्यार्थी बसू शकतात, म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन राहू शकतात, तिसरा नाही. थर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट इन द सेम ऑर्बिटल, त्याला जागा नाहीये, त्याला जागा नाहीये. आणि जे दोन इलेक्ट्रॉन एका ऑर्बिटल मध्ये मी ठेवणार आहे, नीट ऐकायचं, कॅपॅसिटी ऑफ ऑर्बिटल आय एम डिफाइनिंग अगेन. मग जर एफ ऑर्बिटल 7 असतील तर त्याच्यात 14 इलेक्ट्रॉन ठेवू शकतो ना आपण, बिकॉज देर आर 7 एफ ऑर्बिटल. मग 7 कसे, ते आपल्याला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर क्लिअर करून देतो. मायनस एल टू प्लस एल, एफ साठी पिन व्हॅल्यू आहे, मायनस 3, मायनस 2, मायनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, कितने हो गए, 7 हो गए. और मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट ऑर्बिटल्स. एफ ऑर्बिटल 7 आहेत, मग प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये दोन दोन इलेक्ट्रॉन ठेवा,
सात जोड़ी तो कैपेसिटी आपकी 100 मशीन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए आपकी 14 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, लेकिन आप 14 इलेक्ट्रॉन किसी एक चेयर पे नहीं रख सकते। मान लो सब अशेला है एफ, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, बिल्कुल सही है, तो क्या आप एक ही चेयर पे 14 इलेक्ट्रॉन रख दोगे? नहीं, आपको सात चेयर लगेंगे, तब आप एक चेयर पे दो दो मतलब सात डबल चेयर लगेंगे, सिंगल चेयर में तो पॉसिबल नहीं, तो आपको सात डबल चेयर वाली सात चेयर लगेंगे, एक एक पे दो दो रखो, तो सात ऑर्बिटल है, एक सबशेल में 7 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, फिर वो पी सबशेल हो, एफ सबशेल हो, जी सबशेल हो, एच सबशेल हो, एस सबशेल हो, कोई भी हो, एस पी डी एच जी एच, कोई भी सबशेल हो, सॉरी